Hello everyone, in this video I am doing an important question which is example number 9 of chapter 11 Understanding Quadrilaterals of class 8th of DAV board. So this example is also very important. ABCD is a rhombus. Jaisa aapko jo cheez di hai waise draw karo. This is ABCD is a rhombus. So again rhombus is a parallelogram, right? So this is A, B, C, D. A, B, C, D is a rhombus in which angle ADB, ADB means you need to join this. So this angle ADB, how much it is? 50 degree. We need to find all the angles of the rhombus. So here you can assume the angles, like you can give here this angle adjacent angle 1 or is angle ko aap yahan par 2 number de do. Numbering karke angles likhna thoda sa easy ho jata hai. So you can give numbering. Ab aap dekho ABCD is a rhombus. This is given in the question. Agar ABCD rhombus hai, to aapko pata hai all sides of rhombus are equal. AB equal BC equal CD equal to DA. All the sides of the rhombus are equal. Ab aap kya karo? Ek triangle ABD le lo. In triangle ABD, क्योंकि ये जो डायगोनल है वो रोम्बस को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है. आप एक ट्राइंगल ए बी डी ले लो. इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी. ए डी इज इक्वल टू ए बी. अब इसका रीजन आपको पता है, ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, तो इसका मतलब एडजेसेंट भी इक्वल है. तो आप लिखेंगे एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट होती है जो ए की वर्टेक्स के ऊपर साइड्स बनी है. एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. नाउ इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है. तो इस एंगल को ए डी बी को मैं नाम दे देता हूं थ्री एंगल, राइट. और ये जो ए बी डी एंगल है इसको मैं दे देता हूं फोर. तो ए डी के बिल्कुल ऑपोजिट जो एंगल है वो एंगल फोर है एंड इट इज इक्वल टू ए बी के ऑपोजिट जो एंगल है वो एंगल थ्री है. और इसका रीजन लिख देते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides, angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of triangle are equal. अब आपको एक एंगल तो दे रखा है, कौन सा? थ्री. सिंस एंगल थ्री, और थ्री का नाम बेसिकली क्या है? ए डी बी. सिंस एंगल थ्री जिसका नाम ए डी बी है, इट इज गिवन 50 डिग्री. देयरफॉर एंगल फोर इज ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री. क्लियर. अब ये ए डी और बी सी पैरेलल होंगी बिकॉज रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ट्रांसवर्सल किसे आप एज्यूम करोगे? बी डी को. बी डी बी अ ट्रांसवर्सल. बी डी बी अ ट्रांसवर्सल. नाउ सी बी डी क्या नंबर है इसका? एंगल टू. एंगल सी बी डी इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा? ए डी बी. ये तो एंगल टू और एंगल थ्री क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री. ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। अब दोनों में से आपके पास कौन सा एंगल अवेलेबल है? थ्री। सिंस एंगल थ्री इज हाउ मच? 50 डिग्री। देयर फोर एंगल टू इट इज ऑल्सो 50 डिग्री। अब सेम तरीके से आप ये देखो, ये बी सी राइट किसके बराबर है? सी डी। तो हम लिखेंगे ऑल्सो बी सी इज इक्वल टू सी डी, और इसका रीजन लिख दें, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल राइट। अब बी सी के ऑपोजिट, ये देखो बी सी के ऑपोजिट एंगल है वन और सी डी के ऑपोजिट एंगल है टू, तो देयर फोर एंगल वन एंड एंगल टू आर इक्वल, एंगल वन एंड एंगल टू आर इक्वल। वही रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब आपके पास वन एंगल था क्या? टू था आपके पास 50, तो वन भी 50 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सिंस एंगल टू इज 50 डिग्री, सो देयर फोर एंगल वन हैज ऑल्सो कम आउट टू बी 50 डिग्री। सो दिस एंगल यू हैव फाउंड। नाउ एंगल ए बी सी, फुल एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर एंड टू राइट। और एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? एंगल ए डी सी के। अब आपके पास एंगल फोर 50 डिग्री का है, एंगल टू भी 50 डिग्री का है राइट। तो आप ऐसे लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, एंगल फोर प्लस एंगल टू। सो फोर इज 50 एंड एंगल टू इज ऑल्सो 50 डिग्री, इट इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी एंड दिस इज ऑल्सो 50 डिग्री। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल बिकॉज रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। नाउ हियर यू कैन सी ट्राइंगल बी सी डी, हियर वी विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल बी सी डी राइट। सो हियर दिस इज एंगल टू, दिस इज एंगल वन एंड दिस इज कंप्लीट एंगल सी। सो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस कंप्लीट एंगल सी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल वन इज 50 डिग्री एंड एंगल टू ऑल्सो वी हैव फाउंड 50 डिग्री एंड दिस इज प्लस एंगल सी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 50 प्लस 50 इज 100 डिग्री प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब आपके पास एंगल सी आ चुका, तो एंगल सी का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल ए राइट। तो यही लिख देता हूं मैं, सिंस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, द रीजन इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल
राइट। तो सिंस एंगल सी वी हैव फाउंड एज 80 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल ए विल आल्सो बी 80 डिग्री। सो वी हैव फाउंड ऑल द एंगल्स ऑफ दिस रोम्बस, एंगल ए एंड एंगल सी बोथ 80 डिग्री एंड एंगल बी एंड एंगल डी एज 50 डिग्री। सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 9। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।